दोस्तों हम आज मनोज डे एक बहुत बड़े यूट्यूबर की लाइफ स्टोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, साथ ही साथ उनकी लाइफ से हम बिजनेस के कुछ ऐसे लेसन सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो और अपने बिजनेस को बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हो। अगर आप भी अपने बिजनेस को कामयाब बनाना चाहते हो, अपनी लर्निंग को एडवांस करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे बिजनेस टिप्स मिलने वाली हैं जिनका इस्तेमाल आप करके अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को तेजी के साथ ग्रो कर पाओगे। मनोज डे झारखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं जिनके पिताजी की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। मनोज डे बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। मनोज डे ने जब स्कूल कंप्लीट करी उसके बाद उनके हाथ में मोबाइल आ गया और उस वक्त जवानी के जोश में उन्होंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बहुत सारी लड़कियों को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी दी, जिनमें से कई लोगों ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली और उसके बाद वो चैटिंग करने लगे। समझ रहे हो आप? उनका सारा दिन आम गांव वालों की तरह बीतता। थोड़ी देर स्कूल जाते, उसके बाद नुक्कड़ पर बैठे रहते और मोबाइल के जरिए लड़कियों से गपशप करने लगे। तभी उनकी लाइफ में एंट्री होती है एक गणित के शिक्षक की, जो उनको बताते हैं कि समय पर हर काम कर लिया करो क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर तुमने समय की कदर नहीं करी तो समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा। और यही चीज़ उनके दिल पर लग जाती है और वो मोबाइल में से फेसबुक डिलीट कर देते हैं और नुक्कड़ पर बैठना बंद कर देते हैं। और इसी बीच जियो और रिलायंस की एंट्री होती है हिंदुस्तान में और चारों तरफ फ्री डेटा मिलने लगता है। मनोज डे को पता चलता है कि यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और फिर वो यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी और हैकिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब उनका 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर का एक चैनल बनता है तभी उनको ये मालूम पड़ता है कि उनका डीमोनेटाइज कर दिया गया है चैनल और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। एक महीने तक वो सदमे में रहते हैं कि अब क्या होगा। 0 से 4000 सब्सक्राइबर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। और फिर दोबारा से वो सेकंड चांस करके अपना न्यू यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें वो बहुत सारी टिप्स टेक्नोलॉजी के रिलेटेड देते हैं। इसी बीच वो अपनी लाइफ के अंदर जो हो रहा है उनके साथ उसके ऊपर एक यूट्यूब की वीडियो बना देते हैं कि किस तरह से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, किस तरह से आप यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं। और ये दोनों ही वीडियो उनकी वायरल हो जाती है और देखते ही देखते 30 से 40 हज़ार सब्सक्राइबर उनके हो जाते हैं। ये देखकर उन्हें ये एहसास होता है कि लोगों को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा यूट्यूब पर कैसे ग्रो करना है ये सीखना है। और बस उस दिन से आज दिन तक मनोज डे लगातार रोजाना यूट्यूब पर कैसे ग्रो करें, कैसे फास्ट तेज़ी के साथ आप यूट्यूब पर सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, किस तरह से आप यूट्यूब पर अर्निंग कर सकते हो, इसी रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। और आज की तारीख में 45.5 लाख से भी ज़्यादा उनका सब्सक्राइबर बेस चैनल बन चुका है और वो बहुत फेमस हो चुके हैं लोगों में। दोस्तों मनोज डे की लाइफ से हम कुछ ऐसे लाइफ लेसन सीख सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप बिजनेस में कर सकते हो। नंबर 1, समय का सही इस्तेमाल करो क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आप भी बिजनेस खोलकर सिर्फ बैठ गए हो तो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। आपको जो समय मिला है उसके अंदर आप बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचिए और उसका इस्तेमाल करिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। जिस तरह से मनोज डे ने अपने समय का सही इस्तेमाल किया और अपनी लाइफ को ग्रो करने के बारे में सोचा और धीरे धीरे वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इसी तरह से आप भी अपने समय का इस्तेमाल करें और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचें और धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका बिजनेस भी बढ़ सके। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। दोस्तों पहली बार मनोज डे ने 4000 सब्सक्राइबर हासिल करे, फिर 0 पे आ गए, फिर दोबारा से उन्होंने चैनल बनाया और आज 45 लाख सब्सक्राइबर उनके हैं। ये लाइफ लेसन आप भी याद रखें कि अगर आपको बिजनेस में लॉस भी हो गया है तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो, दोबारा से कोशिश करें और ये सोचें कि किस वजह से आप बिजनेस में फेल हुए, उस वजह को आप ढूंढें, उसको निकालें, उसको दूर करें और दोबारा से कोशिश करें। और डेफिनेटली आप ऐसा करोगे तो यकीनन आप कामयाब हो जाओगे। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका इस्तेमाल करो और उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को ग्रो करने की कोशिश करो, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करो। जिस तरह से मनोज डे ने देखा जियो के आने के बाद उसने यूट्यूब के जरिए वीडियोस बनाकर अर्निंग करने की शुरुआत करी, इसी तरह से आप भी देखो आपके चारों तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी दिखे उसका इस्तेमाल करो, अपनी लाइफ को बढ़ाओ, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। दोस्तों बगैर दिल लगाए कोई भी काम नहीं होता। अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें दिल जान लगा दो और उसी को अपना पैशन बना लो और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहो। यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे और लोग आपके पास आएंगे सलाह लेने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों
अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानो। जिस तरह से मनोज डे ने ये जान लिया कि उसकी टारगेट ऑडियंस वो है जो यूट्यूब पर ग्रो होना चाहते हैं और उसी के रिलेटेड वो आज भी वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर शुरुआत तो करो, लेकिन देखो कि कौन सा ज्यादा बिक रहा है, उसकी ज्यादा डिमांड है, और उसी प्रोडक्ट को मार्केट में इंप्लीमेंट करो और उसी से ज्यादा अर्निंग करने के बारे में सोचो। क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर सही है और सही से आपने उसको पकड़ लिया तो वो प्रोडक्ट आपको अमीर बना देगा। बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ उस प्रोडक्ट के ऊपर नज़र रखो जो कि आपको ज़्यादा बिजनेस दे रहा है। और लास्ट में एक बिजनेस लेसन है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, अपने लर्निंग को लगातार बढ़ाते रहो, जो सीख रहे हो उसको बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे और सीखते ही रहेंगे। ये अगर लर्निंग एटीट्यूड आपकी लाइफ का बन गया है तो आपको बिजनेस में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता।